अभी 2 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की थी, बकरे के आँख से पानी आ रहा था। फिटकरी का नुस्खा उसके काम नहीं आया, जिस दिन डाली फिटकरी उसी दिन ठीक रहा। तो बकरे की आँख में डालने के लिए वो, सॉरी, मैंने फिटकरी बताई थी, लेकिन अब जो इंजेक्शन हम इस्तेमाल करेंगे वो जेंटामाइसिन इस्तेमाल करेंगे। जेंटा, ओनली जेंटा हम लगाएंगे। ये तो मैंने बकरी के लगाए हैं। जेंटामाइसिन में 4 ml वज़न के हिसाब से उसके इंटरमस्कुलर लगा दूँगा। एक इंजेक्शन में काम हो जाएगा, आराम मिल गया। हद से ज़्यादा, हद तक उम्मीद नहीं लगी वापस होगा तो नहीं लगाऊंगा, वरना तो 2 दिन कंटिन्यू कर दूंगा मैं इसको। बकरी के अडर में थोड़ी सी सूजन सी हो गई थी, स्वेलिंग, अडर एडिमा की शिकायत होना शुरू हुई थी, तो मैंने उसको रिमोट वेट इंजेक्शन लगाया। और रिमोट वेट इंजेक्शन लगाने से उसके जितना भी वाटर स्टोर हो रहा था उसका अडर एडिमा में, वो एकदम से ही स्टॉप हो गया और जितना था वो ख़त्म हो गया यूरिन के द्वारा। फिर सेकंड इंजेक्शन मैंने लगाया था एविल का, CPM नहीं था तो एविल लगाया मैंने। एविल बहुत अच्छा रिजल्ट आया। ये 2 इंजेक्शन मैंने लगाए हैं। आज मैंने एविल नहीं लगाया, आज मैंने रिमोट वेट लगा दिया बकरी के, और ये लगाया है मैंने हाइब्रिड प्लस, ठीक है, मल्टी विटामिन का। तो ये 2 इंजेक्शन बकरी के लिए लगाए हैं। बकरी की आँख से पानी आ रहा है तो जेंटामाइसिन लगाएंगे, ठीक है, 4 ml। थैंक फॉर वॉचिंग वीडियो।